हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो। आज हमारे सामने MG की ग्लॉस्टर है। ये एक प्रीमियम गाड़ी है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें एक यूनिक सा फीचर आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस फीचर के बारे में बता दूँ। यहाँ पर एक फीचर आता है ऑटो होल्ड का, ये इस तरीके का आपको यहाँ पर स्विच देखने को मिलता है। और ये स्विच में लाइट तभी ग्लो करेगी जब आपने सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर पहनी हो। अभी मैंने यहाँ पर सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो आपको सीट बेल्ट पहन के रखनी है। जैसे ही आप सीट बेल्ट यहाँ से निकालेंगे तो ये फंक्शन अपना इंडिकेशन देना बंद कर देगा। तो आपने सीट बेल्ट पहननी है और ये फीचर तभी आपको शो करेगा। और ये फीचर काम कैसे करता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अभी मैं पहले इसको ऑफ कर दे रहा हूँ और गाड़ी को मैंने ड्राइव मोड में डाला है और हैंड ब्रेक रिलीज़ किया है। तो अभी मेरी गाड़ी देखना आप आगे की तरफ मूव होगी। ये गाड़ी आगे की तरफ मेरी मूव हो रही है, गाड़ी मेरी मूव हो रही है आगे की तरफ। और यही गाड़ी मैं एक बार पीछे की तरफ ले रहा हूँ, तो अभी मेरी गाड़ी जो है पीछे की तरफ मूव कर रही है। अब मैं इसको पार्किंग पे डाल देता हूँ। पार्किंग पे डालने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला फंक्शन ऑन करता हूँ ऑटो होल्ड का। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ क्लस्टर मीटर पे ग्रीन कलर का साइन आता है, ए बना हुआ। तो अब ये फीचर काम कैसे करता है, ये ज़्यादातर आपको ऑटोमेटिक गाड़ियों में देखने को मिलेगा। इसका काम क्या होता है, जब आप ब्रेक पेडल को रिलीज़ कर देते हैं तो गाड़ी को पीछे की तरफ नहीं जाने देता है, ना ही आगे की तरफ जाने देता है। ये जब आप हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तब गाड़ी को आगे की तरफ जाने देगा और आपके ब्रेक को इंगेज करके रखेगा। तो इस फीचर को हम अभी ऑन करने वाले हैं। ऑन मैंने कर लिया है यहाँ से। अब मैं इसको ड्राइव मोड में डालूंगा और हैंड ब्रेक को रिलीज़ करूंगा। एक बार मैंने इसको ऑफ़ किया, फिर से ऑन किया, ऑन हो गया मेरा फीचर। और मैंने ब्रेक पेडल से पांव हटा रखा है। यहाँ पर मैंने ब्रेक पेडल से पांव हटा रखा है, ब्रेक पेडल से पांव हटा रखा है और मेरा गियर का पोजीशन डी पे है और ऑटो होल्ड मेरा फंक्शन ऑन है और मेरा जो पार्किंग ब्रेक है वो पार्किंग ब्रेक मैंने हटा रखा है। अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा गाड़ी मेरी आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसका जनरली काम है गाड़ी को कुछ टाइम तक का होल्ड करके रखना, ब्रेक को इंगेज करके रखना, जब तक आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते। तो ये गाड़ी को पीछे की तरफ नहीं आने देता और ना ही आगे की तरफ जाने देता है। ये आपको हिली एरिया में ड्राइव करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।